हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर फोर। तो एग्जाम्पल फोर है, सेकेंद्रीय कक्षा के किसी बिंदु पर वेग एक वृत्तीय सेकेंद्रीय कक्षा के एक बिंदु जिसके ध्रुव से दूरी उतनी है जितनी कि पहले बिंदु की है, इसके वेग के एक बटा एन भाग के बराबर है। प्रदर्शित करिए कि केंद्रीय बल 1/r^2n² + 1 के समानुपाती है तथा सेकेंद्रीय कक्षा का समीकरण निम्न है। ठीक है भाई, देखिएगा, अब सबसे पहले हमें क्या दिया गया है यहाँ कि सेकेंद्रीय कक्षा के किसी बिंदु पर वेग, तो सेकेंद्रीय कक्षा के किसी बिंदु पर जो वेग है वो हम लोग मान लेते कि स्मॉल v है। तो माना सेकेंद्रीय कक्षा के किसी बिंदु पर वेग, किसी बिंदु पर वेग स्मॉल v है। ठीक है भाई, ये आपने ले लिया सेकेंद्रीय कक्षा के किसी बिंदु पर वेग स्मॉल v। तो फिर पढ़ो, देखो, कक्षा के किसी बिंदु पर वेग एक वृत्तीय सेकेंद्र कक्षा के एक बिंदु पर वेग जिसकी ध्रुव से दूरी उतनी है जितनी की पहले बिंदु की है। तो देखो, सेकेंद्र कक्षा में आपने कोई बिंदु लिया जिस पर वेग v है और इस बिंदु की जो ध्रुव से दूरी है वो मान ली कि स्मॉल r है, जिसकी ध्रुव से दूरी स्मॉल r है, जिसकी ध्रुव से दूरी स्मॉल r है। ठीक है भाई, अब ये तो आपने बात कर रही सेकेंद्र कक्षा की, अब बात करें एक वृत्तीय कक्षा की। तो मान लिया कि वृत्तीय कक्षा में जो वेग है वो कैपिटल v है। तो माना वृत्तीय कक्षा में वेग कैपिटल v है और उसकी भी दूरी उतनी है जितनी पहले बिंदु की है। तो पहले बिंदु की दूरी आपने r ली है, इसलिए इसकी जो ध्रुव से दूरी है वो भी कितनी है, r। तो वृत्तीय कक्षा में वेग कैपिटल v है जिसकी ध्रुव से दूरी r है, जिसकी ध्रुव से दूरी क्या है भाई, r। ठीक है, अब आगे पढ़िएगा, देखो, इसके वेग के एक बटा एन भाग के बराबर है। तो सेकेंद्र कक्षा में जो वेग है इस वृत्तीय कक्षा के वेग के एक बटा एन भाग के बराबर है, यानी कि जो स्मॉल v है ये बराबर है एक बटा एन कैपिटल v के। ठीक है भाई, सेकेंद्र कक्षा में वेग स्मॉल v, वृत्तीय कक्षा में वेग कैपिटल v, तो सेकेंद्र कक्षा में जो वेग है इस वृत्तीय कक्षा के वेग का एक बटा एन भाग के बराबर है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा एक बटा एन इंटू कैपिटल v। और फिर अब देखिएगा, चूंकि वृत्तीय कक्षा में जो वेग होता है उसके लिए हम लोग जानते हैं वृत्तीय कक्षा में, अब जो त्वरण है दोनों ही कक्षा में तथा दोनों कक्षाओं में जो त्वरण है वो भी ले लीजिएगा, दोनों कक्षाओं में जो त्वरण है वो सपोज कैपिटल पी है। ठीक है, सेकेंद्र कक्षा में भी कैपिटल पी है और वृत्तीय कक्षा में भी जो त्वरण है वो क्या है, कैपिटल पी। तो हमें सिद्ध करना है कि जो बल है केंद्रीय बल P वो इस 1/r^2n² + 1 के समानुपाती होगा। तो देखो, वृत्तीय कक्षा में हम लोग जानते हैं वृत्तीय कक्षा में जो त्वरण होता है जिसको आप लोग अभिलंबित त्वरण भी कहते हैं, तो वो बराबर होता है किसके, v² / ρ के। इसका मतलब यहाँ जो P है ये बराबर हो जाएगा v² / ρ। तो v² यानी और बटा रो, रो का मतलब त्रिज्या है वहाँ, यहाँ पर, तो यहाँ जो त्रिज्या आपने ली है वो कितनी ली है, r, इसलिए v² / r। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो v² = आ जाएगा किसके, pr के। तो अब देखिएगा, स्मॉल v 1/n × V के बराबर था, तो स्मॉल v² हो जाएगा 1/v² × V² और इसमें वैल्यू पुट कर दिया जाएगा अगर v² का, तो ये आ जाएगा pr/n². ठीक है, ये आ गया सेकेंद्र कक्षा में वेग। और अब देखिएगा, वेग के लिए जो फॉर्मूला होता है सेकेंद्र कक्षा में वो हम लोग जानते हैं, तो फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे एक बार। तो चूंकि सेकेंद्र कक्षा में, सेकेंद्र कक्षा में किसी बिंदु पर वेग, सेकेंद्र कक्षा में किसी बिंदु पर वेग, इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं भाई हम लोग, v² = होता है h² × u² + du/dθ² ठीक है, ये आपके पास में v² होता है। अब इसको हल कर लीजिएगा, हल जब करेंगे तो देखो v² =
अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग एक बार, तो वी स्क्वायर का, स्मॉल वी स्क्वायर का। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो स्मॉल वी स्क्वायर है ये बराबर है पी आर बटा एन स्क्वायर के। तो आप इसको क्या लिख दोगे, पी आर बटा एन स्क्वायर। तो पी आर बटा एन स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले तो जो r है इस r को अपन लिख सकते हैं वन अपॉन यू। तो r का वैल्यू पुट कर दीजिए वन अपॉन यू, तो ये आपके पास में जाएगा p बटा एन स्क्वायर यू इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों को एन स्क्वायर से भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एन स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पी अपॉन यू इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ठीक है भाई, और अब इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास में आ गया पी अपॉन यू इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अब हम कर देंगे समीकरण दो के दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है भाई। देखो दोनों पक्षों का जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बनेगा क्या, अब यहां से करेंगे p बटा u का, तो गुणा के नियम से करेंगे तो 1 अपॉन u, और p का जो अवकलन है थीटा के सापेक्ष dp अपॉन d थीटा, और एक बार प्लस पी लिख दीजिएगा और वन अपॉन यू का अवकलन कर दीजिए तो जाएगा माइनस एक बटा यू स्क्वायर इक्वल टू, इधर से एन स्क्वायर एच स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, और डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इसका अवकलन कर लीजिए भाई, तो ये आ जाएगा टू डी यू अपॉन डी थीटा डॉट, फिर डी यू अपॉन डी थीटा का हो जाएगा तो डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और प्लस यू स्क्वायर का करिए तो यू स्क्वायर का जो अवकलन है वो क्या बनेगा, तो यू स्क्वायर का जो अवकलन है ये आपके पास हो जाएगा टू यू डी यू अपॉन डी थीटा। ठीक है भाई, अब देखिएगा ये जो डी पी अपॉन डी थीटा, यहां भी देखो यू का अवकलन क्या है ना, तो डी यू अपॉन डी थीटा ओ रहेगा भाई। ठीक है भाई, वन अपॉन यू का माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर, और यू का थीटा के सापेक्ष जो अवकलन है वो हो जाएगा डी यू अपॉन डी थीटा। अब इसको हल कर लीजिएगा, हल करिएगा तो वन अपॉन यू, अब देखो आपके पास में जो डी पी अपॉन डी थीटा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं अपन डी पी अपॉन डी यू डॉट डी यू अपॉन डी थीटा, और फिर ये माइनस पी बटा यू स्क्वायर, माइनस पी बटा यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल टू, इधर से देखो टू डी यू बाई डी थीटा कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लीजिएगा तो टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा, और कॉमन लेने के बाद में जो बचा उसको लिख दीजिएगा, तो यहां से बचा डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और प्लस यहां से आपके पास में आ गया यू, टू डी यू अपॉन डी थीटा कॉमन लेंगे तो यू बचेगा आपके पास में यहां से। और अब ध्यान देना भाई, RHS में भी आप लोग देख सकते हैं इनमें से दोनों में से डी यू बाई डी थीटा कॉमन आ जाएगा, और इस डी यू बाई डी थीटा से हो जाएगा कैंसिल। तो अब आपके पास में बचा है यहाँ से वन अपॉन यू डी पी अपॉन डी यू माइनस पी बटा यू स्क्वायर इक्वल टू टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस u, p बटा u स्क्वायर का जब पक्षांतरण कर लेंगे तो 1 अपॉन u dp अपॉन du इक्वल टू p बटा u स्क्वायर प्लस 2 n स्क्वायर h स्क्वायर d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस u। ठीक है भाई, और 1 अपॉन u dp अपॉन du इक्वल टू, अब देखिए p बटा u स्क्वायर प्लस टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डॉट, इसको देखिएगा सेकेंडरी कक्षा के अवकल समीकरण से हम लोग जानते हैं
कि u प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर होता है p बटा एच स्क्वायर यू स्क्वायर के। तो यहाँ से इसका वैल्यू पुट कर दिया आपने, p बटा एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है। और अब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या बनेगा भाई, यहां से इसको हल करिएगा तो 1 अपॉन यू डी पी अपॉन डी यू, 1 अपॉन यू डी पी अपॉन डी यू इक्वल टू, हाँ भाई p बटा यू स्क्वायर, तो ये आपके पास में आ गया p बटा यू स्क्वायर और इसमें देखो h स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। तो अब आपके पास में यहां से क्या बच गया, 2 n स्क्वायर p बटा यू स्क्वायर, ठीक है। और देखिएगा u से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार तो इसके दोनों पक्षों को, इक्वेशन सेकंड को मैं बचा लेता हूं अभी आगे काम है। तो यहां से दोनों पक्षों को जैसे u से मल्टीप्लाई करेंगे तो dp अपॉन du इक्वल टू, देखिएगा यहां u कैंसिल हो जाएगा तो u बचेगा आपके पास में, और फिर देखो p बटा u दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये p बटा u कॉमन आ गया तो बचा 2n स्क्वायर प्लस 1, तो 2n स्क्वायर प्लस 1। अब चरों को पृथक कर लेंगे, p को एक साइड कर लेंगे, u को एक साइड कर लेंगे, ऐसा जब कर लेंगे तो ये हो जाएगा dp अपॉन p इक्वल टू du अपॉन u और ये इंटू 2n स्क्वायर प्लस 1 du अपॉन u, ठीक है भाई। अब कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो देखो dp अपॉन p इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है, log p इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1 कॉन्स्टेंट है तो 2n स्क्वायर प्लस 1 और du अपॉन u का जो इंटीग्रेशन है ये आप लोग जानते हैं log u और प्लस हम लोग एक कॉन्स्टेंट इसमें ऐड कर देंगे log c, तो देखिएगा log p इक्वल टू log p इक्वल टू, अब यहां से log की प्रॉपर्टी अगर हम यूज करें तो इस 2n स्क्वायर प्लस 1 को जब अंदर लेंगे तो घात बन जाएगा और फिर इनमें दोनों में भी log की प्रॉपर्टी लगा देना, तो ये ऐसा हो जाएगा log c इंटू यू की पावर 2n स्क्वायर प्लस 1 या p इक्वल टू आ गया c डॉट log हटा देंगे तो u की पावर 2n स्क्वायर प्लस 1, देन p इक्वल टू c, u को 1 अपॉन r लिख सकते हैं तो 1 अपॉन r की पावर 2n स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास में केंद्रीय बल p आ गया भाई। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं जो c है ये तो एक कांस्टेंट राशि है, c कांस्टेंट है इसका मतलब जो केंद्रीय बल p है ये समानुपाती है 1 की पावर 1 अपॉन r की पावर 2n स्क्वायर प्लस 1 के, और यही हमें सिद्ध करना था कि जो केंद्रीय बल है 1 अपॉन r की पावर 2n स्क्वायर प्लस 1 के समानुपाती है। इसके बाद में आपको सिद्ध करना है, ज्ञात करना है यहां पर सकेंद्रीय कक्षा का समीकरण। तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे सकेंद्रीय कक्षा का समीकरण, तो सकेंद्रीय कक्षा का समीकरण ज्ञात करने के लिए जो पी का वैल्यू आया है ये पुट कर दीजिएगा समीकरण नंबर 2 में। तो पी का मान समीकरण 2 में रखने पर पी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, पी का वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। तो देखो इसमें जैसे पी का वैल्यू पुट करोगे तो पी का जो मान है ये आपके पास में है सी यू की पावर 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर और इंटू डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसको हल करके सेकेंद्र कक्षा का समीकरण ज्ञात करना है, सेकेंद्र कक्षा का समीकरण मतलब r और थीटा में संबंध ज्ञात करना है, तो r और थीटा के संबंध के लिए ज्ञात कर लीजिए यहां से u और थीटा में संबंध, तो करिए हल। देखो u और थीटा में संबंध क्या बनेगा, सबसे पहले तो आप जैसे ही देखेंगे u से u कैंसिल हो जाएगा तो c, अब u कैंसिल हो जाएगा तो u की पावर बचेगी 2 एन स्क्वायर, बाई घात 2n स्क्वायर प्लस 1 थी एक कैंसिल हो जाएगी 2n स्क्वायर बचेगी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अब देखिए u और थीटा में संबंध ज्ञात करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इसे एन स्क्वायर एच स्क्वायर को यहाँ से हटा दीजिएगा
इसको जैसे हटा देंगे तो जाएगा सी यू की पावर टू एन स्क्वेयर बटा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर इक्वल टू डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वेयर प्लस यू स्क्वेयर। अब इस यू स्क्वेयर का भी कर दीजिए पक्षांतरण, इसका जैसे आप लोग पक्षांतरण कर दोगे हाँ भाई देखिए करिए पक्षांतरण करने पर क्या बनेगा, इसका हम जैसे ही पक्षांतरण करेंगे यू स्क्वेयर का तो ज्ञात कर लीजिए डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वेयर इक्वल टू, तो यहाँ से तो आ जाएगा सी अपॉन एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर यू की पावर टू एन स्क्वेयर, और इसका पक्षांतरण जब कर दिया तो ये हो गया माइनस यू स्क्वेयर देन डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वेयर इक्वल टू, देखिए दोनों में से यू स्क्वेयर आ जाएगा कॉमन, तो यू स्क्वेयर को कॉमन ले लीजिएगा, यू स्क्वेयर जैसे कॉमन लेंगे तो फिर बचेगा सी बटा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर यू की पावर हो जाएगी टू एन स्क्वेयर माइनस टू, और यहाँ आपके पास में बचेगा माइनस वन। देन अब दोनों पक्षों का वर्गमूल आप लोग कर दीजिएगा, वर्गमूल जैसे हम लोग करेंगे तो डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल टू यू स्क्वेयर का जो वर्गमूल है यू आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा रूट सी बटा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर यू की पावर टू एन स्क्वेयर माइनस टू माइनस वन। अब चरों को पृथक कर लेंगे हम लोग, यू को एक साइड कर लेंगे और थीटा को दूसरे साइड कर देंगे, ऐसा जब करेंगे तो फिर देखिए क्या बनेगा, ये आपके पास में आ जाएगा डी यू बटा ये यू बटा में आ जाएगा और ये रूट सी बटा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर यू की पावर टू एन स्क्वेयर माइनस टू और फिर ये आपका माइनस वन इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा भाई डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो देखते हैं इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं आप फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए देखो यहाँ पर u की पावर 2 एन स्क्वेयर माइनस टू है, तो दो अगर कॉमन ले ले तो एन स्क्वेयर माइनस वन बनती है u की पावर, तो ये जो कांस्टेंट आपके पास में था यहाँ ये जो कांस्टेंट है ना c बटा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, इसको अपन मान लेंगे a की पावर 2 एन स्क्वेयर माइनस टू, यहाँ पर u की पावर 2 एन स्क्वेयर माइनस टू थी इसलिए ये जो कांस्टेंट c बटा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर है इसको अपन ने बराबर मान लिया a की पावर 2 एन स्क्वेयर माइनस टू के, ठीक है, ताकि इसको मिला करके एक पद आराम से बना सके हम लोग, तो इसको वैसा लिख देंगे du अपॉन रूट यू रूट सी बटा, अच्छा ये जो कांस्टेंट था सी बटा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर इसको आपने ए की पावर टू एन स्क्वेयर माइनस टू लिख दिया, तो इसको वैसा लिख सकते हैं अपन ए यू की पावर टू एन स्क्वेयर माइनस टू और माइनस वन इक्वल टू डी थीटा, ठीक है भाई। अब प्रतिस्थापन कर लीजिएगा यहाँ पर ए यू का, तो इसको भी देखो एक बार मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्रतिस्थापन से पहले एक और पद देख लीजिएगा आप लोग, इसको ऐसा लिख सकते हैं डी यू अपॉन यू रूट, देखो ये जो पावर टू एन स्क्वेयर माइनस टू है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए यू की पावर एन स्क्वेयर माइनस वन और फिर इसका होल स्क्वेयर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि घात के ऊपर जब घात होती है तो दोनों घातें मल्टीप्लाई हो जाती है, तो देखो दो को जब एन स्क्वेयर माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो टू एन स्क्वेयर माइनस टू ही बनता है, इसलिए जो घात आपके पास में टू एन स्क्वेयर माइनस थ्री माइनस टू थी उसको आप ऐसा लिख सकते हैं ए यू की घात एन स्क्वेयर माइनस वन और फिर उसका कर दीजिए होल स्क्वेयर, ठीक है। अब प्रतिस्थापन आप लोग कर लीजिएगा, तो देखिए अब जब प्रतिस्थापन हम लोग करेंगे तो बन जाएगा क्या, माना कि ये जो ए यू की पावर एन स्क्वेयर माइनस वन है इसको हमने मान लिया है sec z, ठीक है, ताकि यहाँ सर्व समीकरण बन जाएगी sec स्क्वायर z माइनस वन, ठीक है, तो इसको आपने sec z मान लिया है। अब अवकलन करिए दोनों पक्षों का, अवकलन करोगे a की पावर n स्क्वायर माइनस वन ये तो कांस्टेंट राशि है, u की पावर n स्क्वायर माइनस वन का अवकलन करेंगे आप लोग तो घात नियम से करोगे घात आगे आ जाएगी n स्क्वायर माइनस वन,
एक घात कम कर दोगे तो एन स्क्वायर माइनस वन में से एक कम करोगे एन स्क्वायर माइनस टू हो जाएगी, और डी यू इक्वल टू सेक जेड का अवकलन आप जानते ही हैं, सेक जेड टेन जेड डी जेड, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा अभी यहाँ पर इक्वल टू डी थीटा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करिए भाई, तो फिर देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले डी यू, और डी यू को आप लोग क्या लिख दोगे, सेक जेड टेन जेड डी जेड, ये सब बटा में आ जाएगा ना, तो ये बटा में आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन, ए की पावर एन स्क्वायर माइनस वन, यू की पावर एन स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। डी यू का वैल्यू पुट कर दिया, अब बटा में आपके पास में है यू। अब ध्यान दो भाई, यू यू की पावर एन स्क्वायर माइनस टू है यहाँ पर, और ये इसके मल्टीप्लाई में आ गया यू। फिर रूट, तो रूट इसको देखिए au, au की पावर n स्क्वायर माइनस वन, इसको आपने sec z मान लिया, तो au की पावर n स्क्वायर माइनस वन, इसको मैंने लिख दिया है sec z, लेकिन ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये बन गया sec स्क्वायर z माइनस वन, तो sec स्क्वायर z माइनस वन, और इक्वल टू d थीटा, तो इक्वल टू आपके पास में आ गया d थीटा, ठीक है भाई। और अब करिए देखो, sec z tan z, sec z tan z डी जेड, और बटा एन स्क्वायर माइनस वन। अब इसको फिर से देखिएगा, ये दोनों जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक बार तो मैं लिख देता हूं, a की पावर एन स्क्वायर माइनस वन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे u की पावर एन स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, और ये रूट sec स्क्वायर z माइनस वन सर्वसमिका बन गई, tan z आ जाएगा, और इक्वल टू डी थीटा, और अब देखिएगा टेन जेड हो जाएगा कैंसिल, बाकी जो बचा वो लिख लीजिएगा, तो बाकी को देखो बचा आपके पास में सेक जेड डी जेड, सेक जेड डी जेड बटा यहां से एन स्क्वायर माइनस वन, दोनों पक्षों को एन स्क्वायर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा। और इसको देखिएगा आप, ए यू की पावर एन स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हो ना दोनों को आप लोग एक साथ, और ए यू की पावर एन स्क्वायर माइनस वन किसके बराबर है, सेक जेड के, तो इसको आपने लिख दिया है सेक जेड, ठीक है। बस बटा में यही बचे अब आपके पास सेक जेड, और इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया था आपने एन स्क्वायर माइनस वन से डी थीटा, और ये सेक जेड से सेक जेड भी कैंसिल। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन, यहाँ कॉन्स्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, ठीक है भाई, कर दीजिएगा इंटीग्रेशन, तो डी जेड यहाँ डी जेड का जो इंटीग्रेशन है जेड हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस वन यहाँ कॉन्स्टेंट है, और डी थीटा का जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास में हो जाएगा थीटा, अगर कॉन्स्टेंट को हम लोग ले लेते हैं जीरो, ठीक है। तो ये जेड आपके पास में आ गया एन स्क्वायर माइनस वन थीटा। अब जेड अगर ये आ गया तो प्रतिस्थापन हमने किसका किया था, सेक जेड का, तो दोनों पक्षों में अगर सेक ले लिया जाए तो फिर ये हो जाएगा सेक जेड इक्वल टू सेक एन स्क्वायर माइनस वन थीटा, ठीक है। ये आपने क्या ले लिया, सेक जेड। अब आपको जो आंसर ज्ञात करना था उसमें तो देखो जेड भी नहीं है ना, हमें तो संबंध आर और थीटा में चाहिए, तो इससे पहले आपने जो प्रतिस्थापन किया था वो भी पुट कर दीजिएगा यहाँ पर। अब sec z, sec z का वैल्यू पुट कर दो, sec z हमने किसको माना था, au की पावर n स्क्वायर माइनस वन को, और ये बराबर हो गया sec n स्क्वायर माइनस वन थीटा, तो sec n स्क्वायर माइनस वन थीटा, तो इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हो, a की पावर n स्क्वायर माइनस वन u की पावर n स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू sec n स्क्वायर माइनस वन थीटा, तो a की पावर n स्क्वायर माइनस वन, और u को आप लिख सकते हैं वन अपॉन r, तो बन गया वन अपॉन r की पावर n स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू sec n स्क्वायर माइनस वन थीटा, ठीक है भाई। अब व्यवस्थित कर दीजिए समीकरण को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग कर लेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा एक r की पावर n स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, ये देखो sec को अगर आप बाई तरफ ले लेते हैं तो एक के बटा में आएगा, और एक बटा सेक का मतलब क्या हो जाता है, कॉस, तो यहां से आ गया ए की पावर एन स्क्वायर माइनस वन,
और sec को जैसे इधर लेते हैं आप लोग, तो एक बटा sec बन जाता है cos, यानी कि हो गया cos n square minus 1 थीटा। तो ये आपके पास में आ गया सेकेंद्र कक्षा का समीकरण। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7th में पहला प्रश्न है। तो देखिए पहला प्रश्न है, r एक कण है जो कि सेकेंद्र कक्षा r इक्वल टू a साइन n थीटा में गति करता है एक केंद्रीय बल के अधीन। तो वो केंद्रीय बल हमें यहाँ ज्ञात करना है। देखिए केंद्रीय बल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ठीक है, ये सेकेंद्र कक्षा आपको दे दी है, केंद्रीय बल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी आपको केंद्रीय बल ज्ञात करना है तो उसके लिए आप यूज में लेंगे सेकेंद्र कक्षा के अवकल समीकरण को, जो कि आप लोग जानते हैं यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर होता है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर। तो जब भी आपको बल का नियम ज्ञात करना है तो ज्ञात करिए सबसे पहले डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर। तो देखिए सबसे पहले आर को जैसे ही हम यू में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं आर वन अपॉन यू के बराबर होता है इक्वल टू ए साइन एन थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो ये हो जाएगा ए यू साइन एन थीटा इक्वल टू वन, और अब कर लीजिए थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए भाई, देखो ए तो यहाँ कॉन्स्टेंट है, गुणा के नियम से अवकलन करेंगे, एक बार यू का कर लेंगे तो डी यू अपॉन डी थीटा और साइन एन थीटा को हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस ए तो कॉन्स्टेंट है यू, और अब की बार अवकलन कर लीजिए साइन का। तो साइन का अवकलन आप लोग जानते हैं कॉस एन थीटा और फिर एन थीटा का हो जाएगा एन इक्वल टू वन, कॉन्स्टेंट है तो अवकलन आपके पास में जाएगा जीरो। अब ए कॉमन आ जाएगा और ए से ए हो जाएगा कैंसिल, पक्षांतरण कर लीजिए तो डी यू अपॉन डी थीटा साइन एन थीटा इक्वल टू माइनस एन यू कॉस एन थीटा, ठीक है भाई, इसका पक्षांतरण कर दिया। अब साइन एन थीटा को हटा दीजिएगा यहाँ से, तो डी यू अपॉन डी थीटा आपको मिल जाएगा माइनस एन यू, और कॉस बटा साइन बन जाएगा कॉट एन थीटा, ठीक है भाई। अब डी यू अपॉन डी थीटा आ गया, एक बार फिर से कर लो थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो पुनः फिर से थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब अगर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना, डी यू अपॉन डी थीटा का जब आप लोग अवकलन कर लेंगे तो ये आ जाएगा डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर इक्वल टू माइनस एन, कॉन्स्टेंट है, अब अवकलन करेंगे आप लोग इसका। तो सबसे पहले यू का कर लोगे, यू का आ जाएगा डी यू अपॉन डी थीटा कॉट एन थीटा, और प्लस फिर यू को लिख लीजिएगा, अवकलन कर लीजिए कोट का। अब कोट का अवकलन हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वेयर एन थीटा होता है, और कॉसेक स्क्वेयर एन थीटा होता है, और फिर एन थीटा का आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा एन, तो ये लीजिएगा एन, ठीक है, कोट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वेयर थीटा, तो वो माइनस भी आप लोग कर दीजिएगा यहाँ। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा डी यू अपॉन डी थीटा का, तब देखिए डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर इक्वल टू माइनस एन, और डी यू अपॉन डी थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस एन यू कॉट एन थीटा, तो माइनस एन यू और कॉट एन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉट स्क्वेयर एन थीटा माइनस एन यू कॉसेक स्क्वेयर एन थीटा इक्वल टू, अब देखो दोनों में से ये डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर इक्वल टू माइनस एन यू कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो माइनस एन यू जैसे कॉमन ले लेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन स्क्वेयर यू, तो बचा कॉट स्क्वेयर एन थीटा और प्लस कॉसेक स्क्वेयर एन थीटा, देन डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर इक्वल टू एन स्क्वेयर यू कॉट स्क्वेयर एन थीटा, इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग कॉसेक में, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वेयर एन थीटा माइनस वन प्लस कॉसेक स्क्वेयर एन थीटा, ठीक है भाई, देन डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर इक्वल टू एन स्क्वेयर यू। अब देखिए कॉसेक स्क्वेयर एन थीटा प्लस कॉसेक स्क्वेयर एन थीटा, ये बन जाएगा टू कॉसेक स्क्वेयर एन थीटा, तो ये आपके पास हो गया टू कॉसेक स्क्वेयर एन थीटा माइनस वन, ठीक है भाई,
ये हमने ज्ञात कर लिया डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। और अब लिख लीजिए सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। तो जानते हैं हम लोग सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण, सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। देखो भाई सेकेंद्र कक्षा का जो अवकल समीकरण है ये क्या होगा, u प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पी बटा एच स्क्वायर यू स्क्वायर, यही होता है सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप, तो सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण आ गया, इसको हल कर लीजिएगा। इसको हल करेंगे तो देखो u प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा इसका, तो ये आ गया एन स्क्वायर यू। और एन स्क्वायर यू को भी अगर मल्टीप्लाई करके लिख ले तो हो जाएगा टू एन स्क्वायर यू कॉसेक स्क्वायर एन थीटा और माइनस एन स्क्वायर यू इक्वल टू पी बटा एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है। और अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप लोग कोसेक स्क्वायर एन थीटा का, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं भाई साइन एन थीटा आएगा आर अपॉन ए, ठीक है, तो कोसेक एन थीटा हो जाएगा ए अपॉन आर। तो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से इस यू को भी चेंज कर दो आर में, तो वन अपॉन आर हो जाएगा और प्लस टू एन स्क्वायर यू, यू का मतलब वन अपॉन आर कर दिया हमने, और कोसेक एन थीटा, कोसेक एन थीटा का वैल्यू अभी आपने देखा है ए बटा आर, अब यहाँ स्क्वायर है तो हो जाएगा ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और बटा आर हो जाएगा इक्वल टू पी बटा एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसको हल करिए, देखो एक बटा आर माइनस एन स्क्वायर बटा आर, दोनों में से एक बटा आर कॉमन आ जाएगा, एक बटा आर कॉमन हो जाएगा तो वन माइनस एन स्क्वायर अपॉन आर और प्लस टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर बटा आर क्यूब इक्वल टू पी बटा एच स्क्वायर यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा ये यू स्क्वायर भी है इससे भी मल्टीप्लाई करिए साथ में, तो यहाँ से जो पी है ये आपके पास आ जाएगा एच स्क्वायर और इनटू, देखो ये इधर यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, यू स्क्वायर का मतलब वन अपॉन आर स्क्वायर, तो वन अपॉन आर स्क्वायर से जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन माइनस, एक बार तो मैं इसको लिख देता हूँ पहले, टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर बटा, यहाँ आर की पावर फाइव हो जाएगी ना वन अपॉन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एन स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा और बटा एक बटा आर स्क्वायर से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आर क्यूब, ठीक है। ये आपके पास में आ गया केंद्रीय बल, और ये जो केंद्रीय बल आया इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एच स्क्वायर तो क्या है कॉन्स्टेंट है, एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब जो बल पी है ये समानुपाती है किसके, टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर फाइव माइनस एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर क्यूब, तो एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर क्यूब, ये आ गया आपके पास में बल का नियम। अब इसमें सेकेंद्र कक्षा का समीकरण आपको दिया आर की पावर एन कोस एन थीटा इक्वल टू ए की पावर एन, हमें ज्ञात करना है बल का नियम। तो देखिए बल का जो नियम है वो किस प्रकार से हम यहाँ ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो आर को यू में चेंज करिए, तो कॉस एन थीटा और इसको लिख दोगे वन अपॉन यू की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉस एन थीटा इक्वल टू ए की पावर एन यू की पावर एन। अब इसके दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष लघुगुणक के अवकलन कर लीजिएगा, तो दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष लघुगुणक के अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष लघुगुणक के अवकलन करने पर, लघुगुणक के अवकलन करने पर, ठीक है भाई। देखो लघुगुणक के अवकलन का मतलब है लॉग लेकर के अवकलन करना है आपको, तो लॉग लेंगे लॉग कोस एन थीटा, तो लॉग का अवकलन हो जाएगा वन अपॉन कोस एन थीटा, इसके बाद कोस का हो जाएगा माइनस साइन एन थीटा और फिर एन थीटा का हो जाएगा एन इक्वल टू, इधर से लॉग लोगे एन लॉग ए बनेगा जो कि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन जीरो हो जाता है, इसके बाद एन लॉग यू बनेगा तो एन
लॉग यू का अवकलन वन अपॉन यू और फिर यू का अवकलन डी यू अपॉन डी थीटा, एन से एन हो जाएगा कैंसिल, तो डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल टू, यहाँ से इस यू को बैठा दीजिएगा तो माइनस यू हो जाएगा और ये साइन बटा कोस क्या हो जाएगा भाई टेन एन थीटा, ये आपके पास में डी यू अपॉन डी थीटा आ गया। एक बार फिर से अवकलन कर लीजिए तो डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस, गुणा के नियम से करेंगे एक बार तो यू का कर लेंगे तो डी यू अपॉन डी थीटा टेन एन थीटा और प्लस माइनस, एक बार यू को लिख दीजिएगा टेन का आप लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एन थीटा और फिर एन थीटा का जो होता है एन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें डी यू अपॉन डी थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए तो डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, इसका वैल्यू पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यू और टेन से टेन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टेन स्क्वायर एन थीटा माइनस एन यू सेक स्क्वायर एन थीटा, तो डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, देखिए दोनों में से यू कॉमन आ जाएगा तो आपके पास बचा टेन स्क्वायर एन थीटा माइनस एन सेक स्क्वायर एन थीटा सेक स्क्वायर एन थीटा। ठीक है भाई, तो डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू यू, इस टेन को चेंज कर लीजिए सेक में, तो हम लोग जानते हैं सर्वसमिका कि जो टेन स्क्वायर एन थीटा है ये बराबर होता है सेक स्क्वायर एन थीटा माइनस वन के और फिर माइनस एन सेक स्क्वायर एन थीटा। ठीक है भाई, देन डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू यू इन टू, अब देखिए इनमें से दोनों में से सेक स्क्वायर एन थीटा आ जाएगा कॉमन, कॉमन ले लीजिएगा इसको, जैसे कॉमन लोगे तो वन माइनस एन सेक स्क्वायर एन थीटा और माइनस वन। ठीक है, ये हमने डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर ज्ञात कर लिया और अब लिख लीजिए सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण, तो सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। ठीक है भाई, देखो अब सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण जानते भाई हम लोग, ये होता है यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर का, तो ये आपके पास में आ जाएगा यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया यू वन माइनस एन सेक स्क्वायर एन थीटा और फिर ये माइनस वन, तो माइनस वन को यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस यू हो जाएगा इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। अब ध्यान दो भाई, ये प्लस यू है ये माइनस यू है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये जैसे ही कैंसिल होंगे तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो अब आपके पास में p इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर और u स्क्वायर, तो h स्क्वायर वन माइनस n और u स्क्वायर जैसे ही u से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा u क्यूब और sec स्क्वायर n थीटा sec स्क्वायर n थीटा, देन p इक्वल टू h स्क्वायर वन माइनस एन यू क्यूब, अब थीटा का विलोपन करना है, थीटा का विलोपन करना है तो देख लीजिएगा आप लोगों के पास में क्या था, तो अब देखिए इक्वेशन आपके पास इस प्रकार से था आर की पावर एन इक्वल आर की पावर एन कॉस एन थीटा इक्वल टू ए की पावर एन, यहाँ से अगर हम लोग सेक एन थीटा ज्ञात करें तो ये सेक एन थीटा आपको मिल जाएगा आर की पावर एन बटा ए की पावर एन और r को अगर u में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन u की पावर n और ये a की पावर n, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए sec n थीटा का तो ये आपके पास में आ गया। अब देखो इसका स्क्वायर भी आप लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर n का स्क्वायर करेंगे a की पावर 2n, u की पावर n का स्क्वायर करेंगे u की पावर 2n, देन p इक्वल टू h स्क्वायर 1 माइनस n बटा ए की पावर 2n डॉट 1 अपॉन u की पावर, देखिए भैया जो u की पावर आपके पास में है वो कितनी हो गई, यहाँ u की पावर 2n है और यहाँ पर 3 है, कैंसिल हो जाएगी तो u की पावर बचेगी 2n माइनस 3,
देन पी इक्वल टू, यू को अब चेंज कर लेंगे हम आर में, और यू को जब आर में चेंज कर लेंगे तो पी इक्वल टू एच स्क्वेयर वन माइनस एन बटा ए की पावर टू एन डॉट, ये आपके पास हो गया आर की पावर टू एन माइनस थ्री, ठीक है, ये आर की पावर टू एन माइनस थ्री हो गया। देन पी, अब देखिए ये तो क्या है आपके पास में पूरा कांस्टेंट, इसका मतलब जो बल्ब पी है ये समानुपाती है आर की पावर टू एन माइनस थ्री के, ये हो गया बल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव अपने पास में है, इक्वेशन एल बटा आर इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, तो देखिए ये सेकेंडरी कक्षा का समीकरण आपको दे दिया गया है, तो ज्ञात करना है बल का नियम। देखो सबसे पहले तो आर को यू में चेंज करेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा एल यू इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है भाई, तो यहाँ से यू इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस ई कॉस थीटा बटा एल, ठीक है, और अब कर लीजिए थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए भाई, सबसे पहले यू का आप लोग अवकलन कर लेंगे, डी यू अपॉन डी थीटा हो जाएगा इक्वल टू वन अपॉन एल, यहाँ कॉन्स्टेंट है, और इसका अवकलन करना आपको वन प्लस ई कॉस थीटा का, तो वन तो देखिएगा कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, ए भी यहाँ कॉन्स्टेंट है तो ई को लिख दीजिएगा, और कॉस थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, एक बार फिर से कर दीजिए थीटा के सापेक्ष, तो आ जाएगा डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए अपॉन एल कॉन्स्टेंट है, और साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है भाई। अब लिख लीजिए सेकेंडरी कक्षा का अवकल समीकरण, तो सेकेंडरी कक्षा का अवकल समीकरण, सेकेंडरी कक्षा का अवकल समीकरण, हाँ भाई सेकेंडरी कक्षा का जो अवकल समीकरण है हम लोग जानते हैं, u प्लस d टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू p अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें d टू यू अपॉन d थीटा स्क्वायर का, तो हो जाएगा u प्लस, देखो भाई d टू यू अपॉन d थीटा स्क्वायर, ये आ गया माइनस e बाई एल cos थीटा, तो इसको लिख दीजिए माइनस e बटा एल cos थीटा इक्वल टू p बटा एच स्क्वायर यू स्क्वायर, p बटा एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू u माइनस ई बाई एल, अब हम cos थीटा का विलोपन करेंगे भाई, तो cos थीटा का जो मान है वो यहाँ से ज्ञात कर लीजिएगा आप लोग, देखो जो e cos थीटा है ये हो जाएगा एल यू माइनस वन, तो e cos थीटा का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो e cos थीटा हो जाएगा एल यू माइनस वन और बटा एल इक्वल टू p बटा एच स्क्वायर यू स्क्वायर, देन u माइनस एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो u, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन अपॉन एल इक्वल टू पी बटा एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है, एल को हमने जैसे अलग अलग कर दिया है, फिर u से u हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो p इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर यू स्क्वायर बटा एल, आर में अगर चेंज कर दोगे तो p इक्वल टू एच स्क्वायर बटा एल, और यू स्क्वायर का मतलब वन अपॉन आर स्क्वायर, अब ध्यान दो भाई एच स्क्वायर अपॉन एल ये तो कांस्टेंट राशि है, इसका मतलब बल P समानुपाती है वन अपॉन आर स्क्वायर के, ये आ गया बल का नियम।